उपाध्यक्ष विनय झा की पत्नी अरुणा कुमारी होंगी महागठबंधन के जिप उपाध्यक्ष उम्मीदवार। दरभंगा जिला महागठबंधन की बैठक मब्बी में महागठबंधन के घटक दलों के साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष के उम्मीदवार की घोषणा को लेकर महागठबंधन के द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललित कुमार यादव विधायक सह मुख्य सचेतक के साथ जिला अध्यक्ष उमेश राय उपचुनाव कुशेश्वर स्थान विधानसभा प्रत्याशी गणेश भारती आरजेडी के विनय झा सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए अरुणा देवी के नाम को सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसको महागठबंधन के सभी प्रत्याशी ने भी माना। परसों जो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसका चयन हुआ और आज उपाध्यक्ष की भी घोषणा हो गई है। हम लोग दरभंगा जिला के 47 में से जो हम लोग के साथ हैं जो महागठबंधन के साथ हैं जो हम लोग के विचारधारा से जुड़े हुए हैं सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता के उन तमाम सारे पार्षदों से निवेदन है कि वो इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और इस दोनों उम्मीदवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जितावे और ये बड़ा अच्छा मौका है कि इस बार दोनों महिला ही उम्मीदवार हम लोग का उम्मीदवार जिला परिषद के अध्यक्ष का भी उम्मीदवार महिला उपाध्यक्ष का भी उम्मीदवार महिला हुआ। हम लोग सिर्फ निर्गुण में नहीं कहते हैं कि महिलाओं का उत्थान होना चाहिए महिलाओं का विकास होना चाहिए ये सगुण स्वरूप है कि महिलाओं का जो सिर्फ कहते नहीं है उसको हक मिलना चाहिए बल्कि हक मिल रहा है 100% दोनों उम्मीदवार महिला ही हैं। ये महागठबंधन के नेताओं का फैसला है और इसके लिए हम लोग सब तमाम अपने साथियों को अपने नेताओं को सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद है बधाई है और कि इन लोगों ने इस बात को फैसला को स्वीकार किया है और सब पार्षदों की राय बनी है कि इन दोनों को उम्मीदवार बनाया जाए और इसको जिताया जाए और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ये दोनों विजय हो कामयाब हो इनको बधाई भी देते हैं और आप तमाम लोगों को नए साल का भी बधाई एडवांस में ही दे रहे हैं कि आप लोग फले फूले और फिर हम लोग 24 दिसंबर को क्रिसमस डे से एक दिन पहले हमारे बीच अब्दुल बारी सिद्दीकी जी मौजूद थे पूर्व विधायक भोला जी थे प्रत्याशी आर के चौधरी बहादुरपुर से थे हमारे अध्यक्ष जी उमेश राय जी थे गणेश भारती जी थे सब लोग भद्रे साहब थे। आज भी हम लोग को कल ही करना था उपाध्यक्ष का घोषणा एक दिन के बाद करना था लेकिन कल क्रिसमस डे और बड़ा दिन के छुट्टी भी रहता है तो उसकी वजह से हम लोग इसको आज पर निर्धारित रखे। आज हमारे बीच हमारे पार्टी अध्यक्ष उमेश कुमार राय जी हैं बद्रे आलम साहब हैं इस प्रेस वार्ता में गणेश भारती जी हमारे प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान शीतल मिश्र जी है ना शीतल झा जी पार्षद हैं गोपी से और विनय कुमार झा पूर्व उपाध्यक्ष हमारे आजमी साहब क्योटी से हैं सुभाष जी हैं ललित पासवान जी हमारे जिला पार्षद सदस्य हैं मनीगाछी से शंभू जी जो शंभू यादव जी हैं वो पार्षद पति हैं अलीनगर से। हम लोग अध्यक्ष के बाद 24 तारीख को 24 दिसंबर को निर्णय के बाद उपाध्यक्ष का भी निर्णय उसी दिन हम लोगों ने फैसला कर लिया था लेकिन एक दिन दोनों का घोषणा करना हुआ एक दिन के बाद किया जाए तो कल क्रिसमस डे था। आज हम लोग अरुणा कुमारी क्षेत्र संख्या 36 तारडी 12/1 जो पति विनय कुमार झा हैं पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं जिला परिषद के सदस्य अरुणा कुमारी जी को हम लोग पार्टी में महागठबंधन की ओर से सब लोग हम लोग अरुणा कुमारी जी के उपाध्यक्ष पद के लिए हम लोग घोषित करते हैं और सभी पार्षद से अनुरोध करते हैं कि जो हम लोगों के महागठबंधन के या हम लोगों के जो सभी लोगों के उम्मीदवार हैं अरुणा कुमारी जी उपाध्यक्ष पद से जो 3 दिसंबर
3 जनवरी को निर्वाचन होना तय है, तो उपाध्यक्ष पद के लिए हम सभी जिला पार्षद से अनुरोध करते हैं कि सब लोग अरुणा कुमारी जी को उपाध्यक्ष पद के लिए, और अध्यक्ष पद के लिए तो हम पहले ही रेणु देवी जी को हम लोग पहले ही घोषित कर चुके हैं। दोनों उम्मीदवार के पक्ष में सभी जिला परिषद के सदस्य जो हम लोगों के विचारधारा के समान विचारधारा के दोनों प्रत्याशी को अध्यक्ष रेणु देवी, उपाध्यक्ष में अरुणा कुमारी को, दोनों लोग सभी सर हम उम्मीदवारी अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं, हमारे तमाम पार्षद भाइयों बहनों की इच्छा हुई, खासकर हमारे नेता, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, आदरणीय अब्दुल राय सिद्दीकी जी का, आदरणीय ललित कुमार यादव जी का, आदरणीय भोला यादव जी का, गणेश भारती जी का, हमारे जिला अध्यक्ष उमेश राय जी का, आरजेडी जिला अध्यक्ष उमेश राय जी का, बदर आलम बदर साहब का, सीताराम चौधरी का, एवं भाकपा माले के वैद्यनाथ यादव का, भाकपा माले के CPI CPM जितने भी महागठबंधन के हमारे नेतागण हैं, उन लोगों के कहने पर मैं अपनी उम्मीदवारी, पार्षदों के कहने पर और हमारे तमाम नेताओं के कहने पर मैं अपनी उम्मीदवारी दिया हूं, और इन लोगों के कारण जो इन लोग का कहना था, आप भी अच्छे से कार्यकारी अध्यक्ष भी लगभग एक साल रहे, अच्छे से संचालन किए, किसी कोई भेदभाव नहीं हुआ, समान रूप से पैसा का वितरण हुआ तमाम 4700 पार्षद में। आप अभी जितने पत्रकार महोदय हैं उस कार्यकाल के 11-16 का आप देख सकते हैं, और वर्तमान कार्यकाल का भी आप देख सकते हैं, जो बंदरबांट लूट हुआ है जाकर के, पार्षदों के मान सम्मान की रक्षा नहीं हुई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लूट लिया है जाकर जिला परिषद का, क्या स्थिति है, विगत 5 साल का कोई काम हुआ है तो देख सकते हैं, कमीशन खुरी हुई है, 40% कमीशन खुरी हुई है, जो साफ घरसा सर अन्याय है। तो हमारा कहना है पार्षदों का, कुछ हमारे पुराने भी हैं, कुछ हमारे वर्तमान पार्षद भी हैं, इन सब कहना था जो उपाध्यक्ष का काम है प्रहरी का, रखवारी का मेन पावर अध्यक्ष को होता है, आप अच्छे से प्रहरी का काम करेंगे, आप रखवारी का काम करेंगे, आप चौकीदारी का काम करेंगे, जो अध्यक्ष पर निरंकुश नहीं हो, जो भी योजना आवे 4700 जिला परिषद के क्षेत्र में समान भाव से वितरण हो, क्योंकि पार्षद ही अध्यक्ष होते हैं, पार्षद ही उपाध्यक्ष होते हैं, इसीलिए उनका भी पार्षद महोदय हम लोग को मान सम्मान अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया, तो हमारा कहना है योजना जो हो समान भाव से अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद के भी क्षेत्र में समान भाव से बंटवारा हो, और वही मैंने 11-16 के टाइम में करवाया था, जिसके कारण 2 साल सदन बाधित भी रहा, जो भी रहा, लेकिन जब भी वितरण हुआ तो समान भाव से 4700 पार्षद का हुआ, इसलिए कि हमारे बहुत सुदूर से, कोई कुशेश्वर से, कोई बोरा ब्राह्म से, कोई हनुमान नगर से, विभिन्न जाले से, विभिन्न से जीत के आते हैं, और जनता को हर अपने पास उम्मीद है। आज अगर पार्षद काम किया रहता, आप देख लीजिए 2001 से लेकर अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जो सिर्फ 3 पार्षद ही जीते, वर्तमान पार्षद 5वें नंबर, 7वें नंबर, 9वें नंबर, 11वें नंबर पर चले गए, इसका कारण है क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए। आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष समान रूप से देते तो आज 10-15-20-25 पार्षद जीत के निश्चित आते, और कम से कम कंटेस्ट जरूर करते। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।